हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस पहली क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर की डेफिनेशन। और कंप्यूटर की डेफिनेशन जो हमें ट्रेडिशनली रूप से बचपन से लेकर आज तक आपको सिखाई जा रही है वो ये है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग हम अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है नंबर्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना या और भी जितने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उन सबको कंडक्ट करना। इसके अलावा जो एक टेक्निकली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो टेक्निकली जो लैंग्वेज है वो ये बोलती है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें एक यूजर अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने ऑर्डर को कंप्यूटर में डिलीवर करता है, उस दिए गए इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेस की जाती है और उस प्रोसेस के बाद यूजर को दिया जाता है आउटपुट जिसे हम रिजल्ट के नाम से जानते हैं। पर आज की इस क्लास में मैं आपको एक बेहद नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप कंप्यूटर की डेफिनेशन को केवल एक सिंपल से डायग्राम से समझ सकते हैं, ना ही आपको उसे याद करने की जरूरत है, ना ही आपको उसे रटने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम उस डेफिनेशन को सुन लेते हैं जो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। देखिए, कंप्यूटर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर डेफिनेशन में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको पहला टॉपिक जो है वो है आपका इनपुट। तो क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे है ये समझ लीजिए आप, क्योंकि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हम अपनी डेफिनेशन को स्टार्ट कहां से करें। तो देखिए, अगर आपके घर में फैन लगा हुआ है तो ये भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन लगा हुआ है तो वो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अगर आपके घर में टीवी है तो वो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो सारे के सारे डिवाइसेस जो जिनकी डिपेंडेंसी लाइट पर है, जिनकी डिपेंडेंसी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर है, वो सारे की सारी मशीन्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कहलाती हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात आती है कि अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। अब जब आप कंप्यूटर की बात कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये किसी भी यूजर को वो सुविधाएं प्रदान करता है जिसके द्वारा यूजर अपने रोजमर्रा के कामों को या डेली रूटीन के जो काम होते हैं उनको बेहद आसानी से कर सकता है या करवा सकता है। अब ये डेली रूटीन वाले काम कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, आप साथ ही ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन खाने की बुकिंग करते हैं, आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, आप इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, आप वीडियोस देखते हैं, आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनमें आपको किसी ना किसी प्रकार के डिवाइस की आपको आवश्यकता होती है और उस डिवाइस के रूप में हम केवल और केवल कंप्यूटर या अपने स्मार्टफोन को यूज करना ही सबसे बेहतर समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम जिस डिवाइस की बात कर रहे हैं वो है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन को आप याद रखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले आपको यहां पर ये जो मैंने आज का जो टॉपिक है मैंने यहाँ पर बाय टाइटल यहाँ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है यहाँ पर इनपुट देना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले ब्लॉक में इनपुट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सेकेंड टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पर प्रोसेस, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आता है आपका आउटपुट, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे साहब ये तो पूरा ब्लॉक डायग्राम का आपने डायग्राम बना करके यहाँ पर रख दिया है, इसमें अलग क्या चीज है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग मैंने यहाँ पे अलग आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ देखिए, यहाँ जो आपको इनपुट आपने यहाँ किया है ना, ये इनपुट आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन है वो आप इनपुट करवाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, अब बहुत से लोगों को इंस्ट्रक्शन ये वर्ड याद नहीं रहने वाला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं ऑर्डर। जो भी ऑर्डर एक यूजर किसी कंप्यूटर में डिलीवर करता है, किसी भी कंप्यूटर में डिलीवर करता है, चाहे इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करना हो, चाहे ऑर्डर को डिलीवर करना हो, चाहे आदेशों को डिलीवर करना हो, वो सब चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी इनपुट कहलाती हैं, ठीक है। अब इस इनपुट को सबसे पहले आपको कहां पहुंचाना होता है, यहां आपके सीपीयू में, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
हर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको सीपीयू जो है वो अलग से दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोसेस कौन कौन सी होती है, उसे कितने भागों में बांटा गया है सीपीयू के लिए, ये पूरा सेपरेट कॉन्सेप्ट में आपको लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप घबराए नहीं, अभी केवल अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले इनपुट करना है, इनपुट के बाद जो सीपीयू वाला पोर्शन है, इस सीपीयू वाले पोर्शन में हमें क्या होना है, हमारी उस आदेश पर प्रोसेस होना है, ठीक है। अब उस आदेश पर प्रोसेस होने के बाद यहां हमको दिया गया आउटपुट, जिसे हम रिजल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर इतना छोटा सा डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसे एक बार अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए और बस इसका फ्लो याद रखें। आप याद रखें हमेशा इसका फ्लो कि इनपुट हमेशा ये राइट हैंड साइड पे जाएगा प्रोसेस की तरफ और प्रोसेस से निकल करके ये आउटपुट की तरफ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि इनपुट से तो डायग्राम का जो फ्लो है या जो डेटा का फ्लो है वो बताते हैं सीपीयू की तरफ, और यहां से ये जो आपका फ्लो है वो बताते हैं आउटपुट से सीपीयू की तरफ। तो ये ऐसा नहीं है, ये दोनों का जो फ्लो है डेटा का वो किस तरीके से रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इनपुट का फ्लो किस तरफ जाएगा, प्रोसेस की तरफ, और प्रोसेस का जो फ्लो है वो कहां जाएगा, आउटपुट की तरफ जाएगा। अब देखिए इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूं जिससे आप बेहद आसानी से यह समझ सकते हैं कि कंप्यूटर आखिर काम करता कैसे है। देखिए अब आपके मान लीजिए कि आपके डैडी ने आपसे बोला कि बेटा मुझे एक ग्लास पानी ला करके मुझे दो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप पहले आपको जो आदेश दिया गया, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो ऑर्डर दिया गया, उसका उन्होंने आपके डैडी ने क्या किया, उसका इनपुट दिया, ठीक है। अब वो इनपुट कहां दिया है, वो इनपुट दिया है आपके दिमाग में, ठीक है। अब ये दिमाग तक हमारी बात कैसे पहुंचती है, ये बात हमारे दिमाग तक ऐसे पहुंचेगी कि जो बात हमको बताई गई है या जो बात हमको बोली गई है या जो ऑर्डर हमको दिया गया है वो हमने कहां से सुना, अपने कानों से सुना, और वही आदेश हमारे सीधे कहां जाएगा, दिमाग में जाएगा। तो इसलिए हम ये जो सीपीयू वाला जो पोर्शन है इसे हमेशा कहा जाता है कि ये सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। देखिए अब मस्तिष्क का काम क्या होता है, जो आदेश हमने दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, उस इंस्ट्रक्शन को समझना, ठीक है। जैसे हमसे आप जिसमें जो अभी आपको एग्जांपल दिया पानी लाने का, तो जो डैडी ने आपको आदेश दिया है उस आदेश को आपने अपने दिमाग आपने कानों से सुना, दिमाग में आपका वो आदेश गया और आपके दिमाग ने उसको समझा, और समझने के बाद उस पर क्या किया, उस पर प्रोसेस की। आप गए, आपने फ्रिज से बॉटल को निकाला, बॉटल का पानी आपने ग्लास में उड़ेला, और उड़ेलने के बाद आपने क्या किया, उसी पानी को ले जाकर के आपने अपने डैडी को दे दिया। तो जैसे ही आपने यहां पर ये जो आपने प्रोसेस किया कि आपने वो पानी आपने किसको दिया, आपने अपने डैडी को दिया, तो यहां पर जो आउटपुट है ये यूजर को यहां पर किस रूप में मिलता है, रिजल्ट के रूप में मिलता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको रटने की आवश्यकता कहीं भी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अब यहां एक और बात समझ लीजिए, यहां पर ऑर्डर देने वाला मतलब इनपुट करने वाला कौन है हमारे यहाँ पे, डैडी है, ठीक है, और रिजल्ट पाने वाला भी यहाँ पे कौन है, हमारे डैडी है, और यहां पर उस आदेश पर काम करने वाला व्यक्ति कौन है, या तो चाइल्ड, ठीक है, जिसको हम सन बोल सकते हैं या डॉटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो आदेश है वो किसने दिया, हमारे डैडी ने हमको दिया, सुना बच्चे ने, उस पर प्रोसेस किया और उसका रिजल्ट किसको मिला, डैडी को मिला। तो देखिए यह कहां किसी भी टॉपिक को रटने की आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है, बेहद आसान है, बेहद सरल है, ये जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो इस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब देखिए अब हम समझने वाले हैं कंप्यूटर के उस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम बोल सकते हैं कि या तो ये कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है या कंप्यूटर की ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको हम अपने डेफिनेशन में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे जो कैटेगरी होती है, यहां पे आप चाहें तो यह लिख भी सकते हैं कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए ये कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है हार्डवेयर, और दूसरी होती है आपकी सॉफ्टवेयर, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहां पर एक तीसरा कैटेगरी भी आप यहां पे ऐड कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं यूजर। अब यहां पे देखिए हम बात कर रहे हैं कैटेगरी की, ठीक है, मतलब हम उन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर के उन सारे पार्ट की बात करेंगे जिनका उपयोग
हम कंप्यूटर का यूज करते समय करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो हम टच कर सकते हैं। मैं यहां पर इसको नोट कर देता हूं, देखिए, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और जिसे हम मूव करा सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हार्डवेयर होता है, अगर मान लीजिए, देखिए, मैं बोर्ड को छू सकता हूं, इसे मैं कहीं भी निकाल के ले जा सकता हूं, ये जो पेन है इसे मैं छू सकता हूं, इसे मूव कर सकता हूं, इसे फील कर सकता हूं, तो ये क्या है, मेरा हार्डवेयर है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर जो होता है, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये ऐसे एप्लीकेशन होते हैं या ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम नॉन टच एबल, ठीक है। उसके बाद इसे ना तो हम फील कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप नॉन फीलेबल, ठीक है। और मूव करने की तो बात इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, अगर आप मूव करना चाहें तो इसे आप पेन ड्राइव इसे मैं आपको स्टोर करा के मूव करा सकते हैं, पर आप इसे फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनका यूज एक यूजर अपने काम को आसान करने के लिए करता है या अपने काम को आसान बनाने के लिए उपयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर वो होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका उपयोग एक यूजर अपने काम को आसान बनाने के लिए या अपने काम को करने के लिए जिन एप्लीकेशंस का उपयोग करता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, इन्हें आप टच नहीं कर सकते, इन्हें आप फील नहीं कर सकते, पर इनका उपयोग करके आप अपने कार्य को आसान जरूर बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर तीसरा एलिमेंट है, ये है यूजर, मतलब आप और हम, ठीक है। आप और हम क्या करते हैं, हम हार्डवेयर का यूज भी करते हैं और सॉफ्टवेयर का यूज भी करते हैं। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, अगर किसी भी एक भी एलिमेंट को अगर हम अपने सिस्टम से या कंप्यूटर में से हटा दें तो क्या हम कंप्यूटर यूज कर पाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर भी है, पर उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने वाला यूजर नहीं है, तो क्या कंप्यूटर अपने आप चलना चालू हो जाएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये यहां पर कंप्यूटर की डेफिनेशन को कंप्लीट करेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो क्या बोलता है, देखिए, अब हमारे पास हार्डवेयर है, यूजर है, पर सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या हम कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां पर हम तीसरे टॉपिक को देख लेते हैं भैया। तो तीसरा टॉपिक क्या बोलता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर तो है, यूजर भी है, पर हार्डवेयर ही नहीं है, मतलब आपके फोन में आपका फोन का फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर तो है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब कुछ है मेरे भाई, पर वहां पर उसे यूज करने के लिए हार्डवेयर नहीं है हमारे पास। जब हार्डवेयर नहीं है तो उसे भैया यूज कहां करेंगे, हम कहीं यूज करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो ये तीनों एलिमेंट जो है, ये तीनों एलिमेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, जिनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पर बनी हुई है। अगर इनकी डिपेंडेंसी खत्म, अगर ये तीनों एक साथ ना मिले तो यूजर जो है वो कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकता है। तो मुझे, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, इसमें आपको सीखने बहुत कुछ मिला होगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि इसका जो फर्स्ट टॉपिक था हमारे क्लास का, कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसे वो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके आप जरूर भेजिएगा। मैं उस क्वेरी के लिए, उस क्वेश्चन के लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।